अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में ही रहें तो बेहतर है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच मेरी पहली वीडियो पे इतना अच्छा रिव्यू देने के। आज हम क्या करेंगे, यानी कैसे? बस अच्छा सवाल है, चले कोई नहीं, मैं आपको पूरी जवाब दे देती हूँ। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे बेसिक चीज़ों के। आज हम लोग कुछ बेसिक मेजरमेंट्स, हम जो मतलब अपनी बॉडी की मेजरमेंट्स कैसे ले सकते हैं, बेसिक बॉडीज मेजरमेंट, और उससे मैं आपको पैटर्न बनाना सिखाऊंगी जिसे हम लोग कह सकते हैं खाका, और उसका नाम होगा बेसिक बॉडीज पैटर्न। बेसिकली बात यह है कि जब हम लोग बेसिक चीज़ों पर बात नहीं ना करते तो हम लोग उसकी वेरिएशन पर नहीं जा सकते। सो ये चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, तो वॉचर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मटेरियल कुछ है मेरे पास, तो मैंने कहा कि पहले आपके साथ ज़रा मटेरियल शेयर कर लूँ कि मतलब कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड हो सकता है इस बेसिक बॉडीज पैटर्न के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ड्राइंग। ओके वॉचर्स, तो जिस तरह के मैंने आपसे शेयर किया तो बॉडीज की पहले हम लोग मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं, तो वो मैं आपके साथ पहले शेयर करूँ कि किस तरह हम ले सकते हैं। तो जिसके लिए मेरे पास ये मेरी है, हम लोग किस पे काम करते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही आप किसी भी अगर किसी की भी मेजरमेंट लेना चाहते हैं ना तो आप इजीली ले सकते हैं, इसलिए मैं जरा इसको यूज करूंगा। तो आप किसी की भी लेना चाहते हो इसके अकॉर्डिंग मैं तो सारा बता देती हूँ, बाकी मेजरमेंट लेना एक बड़ी बात, ठीक है? सिंपल सी बात है, सिंपल सा फॉर्मूला है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में चलना है तो उस तरह उसके मेजरमेंट लेना, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप शुरू करते हैं अपने शोल्डर से, जैसा आप देखिए शोल्डर से हम लोग ने जाना है बस्ट तक। तो जिस तरह ये मैंने रिबन्स लगाए हैं, जैसे ये वाला मेरा बस्ट का रिबन है, ये मेरा है वेस्ट का, ये सेंटर फ्रंट, इसके अकॉर्डिंग हम लोग मेजरमेंट लेंगे। तो जैसे कि मैं शोल्डर के पॉइंट पे रख रही हूँ अपना वेयरिंग टेप और यहाँ तक आ रही हूँ, ये 9.5 आ रहा है, ठीक है? इस तरह आपने मेजरमेंट लेंगे कि मेरा जो शोल्डर से लेकर मेरा जो बस्ट का पॉइंट है वो 9.5 है, ठीक है? और उसके नीचे मेरा जो है वो है 7, बस से मेरा जो वेस्ट है वो मेरा 7, ठीक हो गया? उसके बाद मेरा जो शोल्डर है वो है 5, ठीक है? इस तरह आपने इसकी मेजरमेंट ली। ये मेरा हो गया वर्टिकल, अब हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल पे। तो अब हम लोग जरा अपनी बस की मेजरमेंट ले लेते हैं। गाइस, जो हमारे बॉडी का जो अपर पार्ट होता है ना, वहां से आपने स्टार्ट करना, ठीक है? इसको बेसिकली हम लोग एपिक्स पॉइंट भी बोलते हैं। तो आपने इस तरह जरा इसकी में और ये देखिएगा, ये आ रही है कुछ 36 के करीब, क्योंकि मैंने जरा इसको करके देख लिया 30। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने ये सारी मेजरमेंट्स अपनी मैनिकल की सारी इसके ऊपर मेंशन करती है, जिसके ऊपर ये वर्टिकल मेजरमेंट्स आ रही हैं, जिसमें हमारा शोल्डर टू बस्ट था 9.5 इंचेस, बस्ट टू वेस्ट थी हमारी 7 इंचेस, शोल्डर हमारा था 5 इंचेस। ओके हो गया। तो जो हमारा जो वर्टिकल है ना, ये इस तरह ही चलना है, और जो हमारी जो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स आती है ना वो 4 पे डिवाइड होती है, क्योंकि वो ओवरऑल रैप करती हैं चीज़ को, इसलिए हम ओके गाइस। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये मैंने सारी मेजरमेंट्स मेंशन कर ली हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो पहले हम लोग ज़रा वर्टिकल जो मेरी मेजरमेंट्स है वो ड्रा कर लेते हैं। तो जिस तरह के आप ये देख रहे हैं कि मेरी जो शोल्डर टू बस्ट थी वो है 9.5, मैं ज़रा 9.5 पे मार्क कर लूँगी। अच्छा, बेसिकली हम लोग काम करते हैं ये लेड पेंसिल से, बट यहाँ पे मैं मार्कर के साथ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा वीडियो बना रहे हैं तो ज़रा प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है? तो मैं 9.5 पे मार्क कर लूँगी, और जो मेरी वेस्ट बस टू वेस्ट है वो था मेरा 7, तो मैं उसको मार्क कर लूँगी यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, अब ये जो मैंने मार्किंग की है ज़रा ये मैं सीधा ड्रा कर लेती हूँ लाइन्स को। ठीक है, अब इस तरह इसके
पर हम लोग मेंशन कर देंगे लाइंस हैं कौन से। ये है हमारी बस्ट वन, साथ साथ हमने लिख लेना है क्योंकि। ओके वॉचर्स, तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने ये अपनी अपर बस्ट की भी लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब जो मेरा जो ये वाला पार्ट है, ये शोल्डर वाला, ये जो मेरा, मैं इसको ज़रा सीधा ड्रा कर लूँगी अपने आर्म होल के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे हम लोग, यहाँ से ईज देंगे, वो इसलिए क्योंकि हमारी जो ये आर्म होल होता है जिसे हम कंधा बोलते हैं, ये कर्व में होता है और हमें मूवमेंट करनी होती है क्योंकि जाहिर है इंसान तो इस वजह से, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ईज देते हैं। ईज ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही को बल्कि बंदा 2.5 करती है, अदरवाइज ये 1 या 1.5 तक रहती है। बट ये ज़रा वही बात कि ये जो साइज है ये स्मॉल है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 की ईज ही दूँगी, ठीक है। तो मैं ज़रा अपनी इस बस्ट को अपर बस्ट के साथ मैच कर लेती हूँ, ठीक है। अब मेरा जो कंधा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। और यहाँ पे एक और काम करेंगे कि जो मेरा ये वाला पॉइंट है ना और ये वाला पॉइंट है, मैं इसका हाफ, ठीक है, ये मेरा आ रहा है 7 और यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, इसका 3, और इसके इनर साइड पे मैं मार्क कर लूँगी पॉइंट, ठीक है, हाफ इंच पे। ये आपके सामने देखेंगे, ये मैंने हाफ इंच पे अंदर वाली साइड पे मैंने इसको मार्क कर दिया। अब जो मेरा कंधा है वो यहाँ से होकर यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ज़रा मैं इनको इस कर्व के साथ मिला लेती हूँ, ये भी 1 रो में ही लगेगा, ये ज़रा आपने इसको देख लेना कि कैसे लग रहा है, ठीक है। ओके वॉचर्स, तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा पार्ट है फ्रंट मेरा, ये रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये जो मेरा ये वाला है ना, यहाँ पे मेंशन कर दूँ मैं सेंटर फ्रंट, ठीक है, ताकि आपको कोई इशू ना हो सेंटर फ्रंट, ठीक है। तो ये मेरा है मेरा फ्रंट पार्ट। अब जरा हम बैक को निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि जो मेरी शीट है वो डबल है, मैं दोबारा बता दी, मेरी शीट बिल्कुल डबल है, ठीक है। तो अब हम जरा इसका बैक पार्ट निकाल लेते हैं। तो बैक में सिर्फ आर्म होल और हमारा नेक लाइन चेंज होगा, बाकी एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो जो हमारी ये तो हमारी 3-3 का बॉक्स था ना, बट यहाँ पे हम लोग 1 डीप जाएंगे, क्योंकि हमारी जो बैक है नेक लाइन वो ज्यादा डीप नहीं होती, इसलिए हम लोग 1 डीप ही जाएंगे। तो मैं जरा इनको मिला देती हूँ, इस पॉइंट को मैं जरा इसके साथ मिला दूंगी। बैक भी ठीक है। और अब मैं जरा अपने बैक का आर्म होल मेन कर लूंगी, तो जो मेरा ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से लेकर ऐसे ये मेरा बैक का होगा, ठीक है, वो भी मैंने सब आपने मिला दिया है तीनों पॉइंट्स। आपने देखना है कि यार ये कहाँ पे मैच हो गया, मेरे ख्याल यहाँ पे मिस कर, तो जो मेरा ये वाला आर्म होल है बैक का है, जिसमें मैं डबल स्टार बना रहा हूँ, ठीक है। अब जी हम इनको कटिंग कर लेते हैं ताकि आपको ये आसानी हो जाए, तो हम जरा इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने ये पहले इसकी फ्रंट की कटिंग की, फिर उन्होंने बैक की कटिंग करी, मैंने सब कुछ नाम मेंशन कर दिया,
वहाँ पे ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इधर ज़रा सही लिखें ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये हमारा पैटर्न ब्लॉक था, बेसिक बॉडीज पैटर्न था हमारा बैक एंड फ्रंट। तो फर्दर इससे हम लोग आगे क्या कर सकते हैं या ये ज़रूरी क्यों होता है, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आई होप सो आपको समझ आ गई हो, और अल्लाह ने के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।